से ऊपर जा रहे हैं, देखा फैजान है वो हमारे दोस्त है कुछ हमारे साथ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ हम पहुंच गए टॉप के मुकाम के टॉप पर, और यहाँ पर जो नमाज हो रही है होने वाली है 2 बजे, 2 नमाज होने वाली है। और हम इस वक्त बहुत थके हुए हैं क्योंकि बहुत सीधे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। इस वक्त हम मेरे दोस्त बहुत थके हुए हैं सबका, तो सब बंदे आएंगे तो नमाज अदा कर लेंगे यहाँ पर। और गाइस देख रहे हैं सही सीढ़ियाँ दिख रही है नीचे, दिखाता हूँ आपको। वही देखो यार कहाँ पर है पुट्टू पूरा टॉप पर हम, और यहाँ पर हमें और यहाँ पर 2 बजे की नमाज है आज, जिसके हम 2 बजे नमाज अदा करने वाले हैं यहाँ पर। और इससे ऊपर भी जा सकते हैं लेकिन नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे हम। जो आप देख रहे हैं कि अगले साइड मतलब जो दूसरी साइड है मुकाम के आस्थान की साइड में, तो सीनरी देख रहे हैं कितनी खूबसूरत हो रही है वही वो है ये नज़ारा है यहाँ पर। फिर देख रहे हो खुद इस साइड बहुत ही बहुत खूबसूरत है, और इस साइड देख लो आप पूरा मकान दिख रहा है इस साइड से। और यहाँ पर खाली नहीं मुस्लिम ही नहीं आती क्योंकि नॉन मुस्लिम भी यहाँ पर आते हैं, उसको मानते हैं बहुत लोग ऐसे भी है जो पर मुसलमान नहीं है फिर भी मानते हैं यार सब देख रहे हो। नॉन मुस्लिम भी बहुत सारे हैं, और हम यहाँ पर आए थे नमाज पढ़ने के लिए लेकिन नमाज थोड़ा लेट है इसलिए मैं यहाँ पर व्लॉग बना रहा हूँ। ये सब देख रहे हो नीचे साइड पूरे सड़क के नीचे से आप देख रहे हो खुद क्या है नज़ारा है। के लिए कुछ देर बाद में और कुछ बनाता रहूँगा आपके लिए। तो ये गुफा है यहाँ पर मकान है जैसे आप देख रहे हो, तो बाकी बात नहीं बताता हूँ आप खरीद देख लो। بات کسی بابا جائے شن یہ چھن میدان کے چھ जा रही हो आप तो यहाँ से सीधे जाना पड़ता है और वहाँ से फिर उल्टा जाना पड़ता है, इसलिए हम बाहर आ चुके हैं यहाँ से। और हमारे दोस्त यहाँ पर और हम अब कार निकल के जा रहे हैं कि अब ऊपर जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जाएगी अभी, और कह रहे भी ऊपर जाने के लिए पता नहीं हम ऊपर जाए ना जाए कि देखते आगे अब आगे देखते रहे। जैसा देख रहे कि कब्र मतलब कब्रिस्तान है यहाँ पर थोड़ा छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर जहारत है यहाँ पर उनके परिवार भी यहाँ पर रहते हैं। मुझे पूरा पता नहीं, मैं पहली बार यहाँ पर खुद आया हूँ, इससे पहले एक बार आया था छोटे था लगे उतने आदमी है अभी, लेकिन अब खुद देख सकते खुद पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा है, तो फिर पढ़ के मुझे कमेंट बताना है किसका क्या है। कोई नहीं जैसे कि ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे दोस्त सब कुछ वही जा रहे हैं खुद देश हो गया आगे क्या होता है। जूते यहाँ से बाहर निकलना पड़ते हैं बना जूते के ऊपर रहना पड़ता है, तो और यहाँ पर हम जूते यहाँ पर रखे तब अंदर जाएगी तो अंदर है। तो गाइस जैसे कि फाइनली हम नमाज पढ़ के आ चुके हैं बाहर, और यहाँ पर देखो यहाँ की सीनरी देखो यार कैसी है खुद देख लो यार, और कमेंट करके बताना कैसी है। जिसके हम हमारे साथ सब दोस्त एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब ज़्यादा देख चुके हैं सब, और हम बाहर आ चुके हैं अब कह रहे हैं कि घर निकलने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर बाहर निकले हैं मेरे दोस्त सब
हाँ प्लीज गाइस को देख लो यार। सो गाइस हम फाइनली वापस आ चुके हैं अपने घर, मतलब निकल चुके हैं अपने घर। तो हम रास्ते में अभी और पहला व्लॉग है मेरा, आप सबको जानते हुए। तो कैसा होगा क्या होगा पता नहीं, तो मेरे साथ तुम्हें होने के खुद देखो यार ऐसे बंदे हैं मेरे साथ। तो फिर बता देना यार कैसा लगा आपको ये व्लॉग, मतलब अगला व्लॉग आप चाहते हो आने के लिए कि नहीं, मतलब पहला व्लॉग था आप सबको जानते हो मतलब ये बात। तो एक्सपीरियंस उतनी नहीं थी, फिर भी यार ट्राई बहुत अच्छी किया मैंने, अपनी तरफ से बेस्ट किया मैंने। और फिर भी आप देख लेना यार, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता देना कमेंट में, कमेंट से बता देना कुछ प्रॉब्लम हो तो कुछ भी हो बता देना यार कुछ, मतलब अगर आपको मुझे ज़्यादा पता है कुछ भी तो कमेंट से बता देना प्लीज़ प्लीज़ गाइस प्लीज़। तो लाइव तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कर देना प्लीज़ भाई।